अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरा नाम है साद और आप लोग देख रहे हैं साद व्लॉग्स। आज आपके लिए लेके आया हूँ किया स्पोर्टेज ऑल व्हील ड्राइव। 2019 का मॉडल है ये और ऑल व्हील ड्राइव है। और आज आपके लिए लेके आए हैं किया स्पोर्टेज का रिव्यू। लाइट्स की अगर बारे में बात की जाए तो इसके अंदर प्रोजेक्टर्स आप लोगों को मिल जाते हैं लाइट्स के ऑप्शन, और टोटली LED लाइट आप लोगों को मिल जाती है जैसे आप लोगों को नज़र आ रहा है, जो कि इसकी जो थ्रोइंग है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और ये क्रिस्टल लाइट में आती है, जहाँ तक आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं ये टोटली क्रिस्टल है। लाइट की जो लंबाई है वो बहुत ही बड़ी है और एक एग्रेसिव लुक आप लोगों को मिलती है। टाइगर नोज किस्म की आप लोगों को यहाँ पे ग्रिल मिल जाती है, और ग्रिल जो है वो आप लोगों को यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो पियानो ब्लैक कलर में आप लोगों को ये ग्रिल मिलती है। ऊपर भी आप लोगों को ये पियानो ब्लैक मिलता है, और यहाँ पर आप लोगों को टोटली जो है वो क्रोम आप लोगों को मिल जाता है। ऊपर किया कि आप लोगों को यहाँ पर बैजिंग मिल जाती है जैसे आप लोगों को नज़र आ रहा है। अब तो इसका लोगो भी चेंज हो गया। नीचे देखा जाए फोग लाइट की तरफ तो फोग लाइट आप लोगों को ये नज़र आ रही है जो कि हैलोजन बल्ब में है। नीचे भी आप लोगों को ये थोड़ी सी मेरे ख्याल से क्या नाम है इवेंट आप लोगों को मिल जाता है जो हवा यहाँ की क्रॉसिंग हो जाती है। ये क्रोम आप लोगों को सारा मिल जाता है। चार सेंसर्स इस गाड़ी के अंदर आप लोगों को आ जाते हैं, और फ्रंट लुक आप लोगों के सामने है बहुत ही एक बल्कि किस्म की आप लोगों को लुक मिल जाती है। बड़ी एक एग्रेसिव लुक इस गाड़ी की है, और ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में कामयाब हो चुकी है। नीचे अगर देखा जाए तो आप लोगों को ब्लैक मैट कलर का आप लोगों को एक चीज़ नज़र आ रही है जो कि यहाँ से होती है टायरों की तरफ से बैक तक जाती है, जो कि डिफ्यूज़र में निकलती है। बाकी देखा जाए ये इसके अंदर हेजल लाइट आप लोगों के लिए मैंने ऑन की हुई है। देखें दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। कुछ लाइट की ऑप्शनिंग आप लोगों के सामने ही है। बाकी गाड़ी की बॉडी की अगर कर्व की बात की जाए तो आप लोगों के सामने ये इसके अंदर दो किस्म की लाइंस आप लोगों को नज़र आ रही हैं जो कि देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। और फेंडर की तरफ ऑल व्हील ड्राइव का आप लोगों को यहाँ पे लोगो नज़र आ रहा है लिखा हुआ है। और अगर इसके अलॉय व्हील की बात की जाए तो आप लोगों के सामने 18 इंच का अलॉय व्हील इसके अंदर मिल जाता है। 225/55R18 का अलॉय व्हील है। इसके अंदर आप लोगों को रिट्रैक्टेबल मिरर्स और आप लोगों को इसके अंदर टर्न सिग्नल्स आप लोगों को जो लाइट्स हैं वो भी आप लोगों को मिल जाती हैं। स्मार्ट लॉकिंग सिस्टम भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। ओवरऑल गाड़ी के अंदर लाइनिंग की बात की जाए तो लाइनिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा इस गाड़ी के अंदर क्रोम का इस्तेमाल किया गया जो कि आप लोगों को नज़र आ रहा है। और ऊपर आप लोगों की एक ट्रिम मिल जाती है जो कि अच्छी लग रही है इस गाड़ी को। ओवरऑल बैक लुक कुछ इस टाइप की आप लोगों के सामने, टोटली LED आप लोगों को ये सारी लाइट्स आप लोगों को मिल जाती हैं जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। और अगर देखा जाए ये लाइट की, अब ये देखें ये पोजिशनिंग है कुछ बीच में, या थोड़ी सी आपको रिफ्लेक्टर टाइप आप लोगों को मिल जाता है। किया का आपको बैजिंग मिल जाती है, स्पोर्टेज लिखा हुआ नज़र आता है, और ये ऑल व्हील ड्राइव है। पीछे आप लोगों को ये वॉशर के लिए ये आप लोगों को वाइपर मिल जाता है, हाई माउंटेन ब्रेक लाइन, और आप लोगों को ये शार्फन एंटीना भी आप लोगों को मिल जाता है, और पैनोरामा सनरूफ के साथ ही आप लोगों को मिलती है। नीचे देखा जाए तो आप लोगों को ये जो है आप लोगों को क्या नाम है हेजल लाइट की ऑप्शन मिल जाती है जो कि इंडिकेटर्स हैं नीचे हैं। रिफ्लेक्टर्स आप लोगों को यहाँ पर करके मिलते हैं। नीचे आप लोगों को यहाँ पर क्रोम की एक छोटी सी पट्टी मिलती है, और नीचे डिफ्यूज़र आप देख सकते हैं जिसमें छोटे छोटे किस्म के बम्प्स हैं जो कि दिखने में खूबसूरत इस गाड़ी को लग रहे हैं। और इसके अंदर बैक कैमरा भी है, और नंबर प्लेट की ऑप्शन आप लोगों के सामने ही है। ओवरऑल गाड़ी की जो लुक है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। चार सेंसर्स के साथ ये गाड़ी आप लोगों को मिल जाती है। ये आप लोगों को यहाँ पे स्पॉइलर टाइप का आप लोगों को मिल जाता है जो कि दिखने में इस गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है, जो खूबसूरती की, वो बहुत ज़्यादा एक एग्रेसिव लुक में ले जाती है, जिसके अंदर हाई माउंटेन ब्रेक लैंप भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। ये गाड़ी की कुछ चाबी है, लॉक अनलॉक और ट्रंक की इसके अंदर ऑप्शनिंग है। इसको होल्ड करके रखेंगे तो ये गाड़ी की जो बूट है वो खोल जाएगी। इसको पहले हम अनलॉक कर देंगे और अब बूट को दबाएंगे हम। ये इस गाड़ी के अंदर बहुत एक खूबसूरत किस्म का फीचर है जो कि आप लोगों को नज़र आ रहा है, और जो इसकी स्पेस है माशाल्लाह वो तो बहुत ही एक अच्छी इसके अंदर आप लोगों को स्पेस मिल जाती है। स्पोर्टेज लिखा हुआ आप लोगों को मिल जाता है, और ऊपर आप लोगों को ये एक शटर टाइप का आपको मिल जाता है जो कि आप लोगों के सामने कोई भी आप जो स्पेस वगैरह वो आप यहाँ पर करके रख सकते हैं ऊपर एक अलग करके। और ये बैग चला गया। बाकी ये आपको LED आप लोगों को यहाँ पे लाइट मिल जाती है, थोड़ी सी ये स्पेस बहुत अच्छी है। पीछे स्पीकर भी आप लोगों को मिलता है, और अगर नीचे देखा जाए तो आप लोगों को ये टायर मिल जाता है विद जैक के साथ, और थोड़ी सी आप लोगों को ये नई एक्सेसरीज मिल जाती हैं। यहाँ पे भी कुछ आप स्पेस वगैरह रख सकते हैं। किया का आप लोगों को ये स्पोर्टेज 2018 है, वैसे 2019 का, और यहाँ से भी आप यानी कि कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं। तो इसको हम दबाएंगे, ये है किया स्पोर्टेज 2019 ऑल व्हील ड्राइव।
अच्छा गाड़ी के इंटीरियर में आ गया, ये है चाबी, चाबी इधर रखते हैं और स्टार्ट करते हैं, पुश स्टार्ट का बटन है और ये देखें स्मूथ स्टार्ट है। ये कुछ मीटर है आप लोगों के सामने, गाड़ी का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। ये अगर इसके मीटर पे जाएं तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे आरपीएम मीटर मिल जाता है, बीच में आपको आपको छोटा सा क्लस्टर मिल जाता है, और साइड पे अगर देखा जाए राइट साइड पे तो आप लोगों को स्पीडोमीटर आप लोगों को मिल जाता है जो कि 240 तक है। बाकी आपको एनालॉग आपको जो सुई है वो मिल जाती है जो कि फ्यूल की है, और हीट जो टेम्परेचर है उसकी सुई आप लोगों को यहाँ पे मिल जाती है। बीच में अगर देखा जाए तो ये आप लोगों को नज़र आ रहा है फ्यूल की इकोनॉमी, ये किलोमीटर्स और ये ड्राइविंग इन्फो वगैरह ट्रिप्स जो आपके होते हैं। बाकी इस तरह करके इसमें आप लोगों को हर किस्म की जो चीज़ें हैं वो मिल जाती हैं। और बीच में अगर यहाँ पे देखा जाए ट्विटर्स वगैरह आप लोगों को मिल रहे हैं, ऑटो होल्ड है यानी कि जो बूट है इसकी लाइट की जो है पोजीशनिंग उसको यानी कि एडजस्टमेंट करने के लिए, इसके अंदर वो आप लोगों को ये मिरर मिल जाते हैं जो कि रिट्रैक्टेबल है, सेंट्रल लॉकिंग मिरर्स के ऑप्शन, बाकी ऑटो वगैरह ड्राइवर साइड वाली ऑटो है, बाकी नॉन ऑटोज हैं। बाकी ये टोटली प्लास्टिक है और यहाँ पे आप लोगों को वो एक लेदर टाइप का मिल जाता है, बीच में ये पियानो टाइप का आप लोगों को ये मिल जाता है, सिल्वर में है लेकिन पियानो में है। बाकी ये आप लोगों को क्या नाम है सिल्वर के आप लोगों को हैंडल मिल जाते हैं, और बाकी ये सारा कुछ था। स्टेयरिंग व्हील में बात करें तो वॉइस कमांड, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ये आप लोगों को वॉल्यूम के, बाकी ये क्रूज़ वगैरह आप सेट कर सकते हैं और इस तरह के ऑप्शन है बाकी, और पेडल शिफ्टर इसके अंदर नहीं है। बाकी ये सारा पियानो ब्लैक में आप लोगों को मिल जाता है, किया की बैजिंग मिल जाती है, दो एयरबैग्स हैं इसके अंदर। और बीच में अगर सेंट्रल कंसोल की बात की जाए तो ये आप लोगों के सामने मीडिया है जो कि इसके अंदर आप लोगों को यानी कि हर किस्म की चीज़ है ये इसके अंदर। मेरे ख्याल से एप्पल कार प्ले नहीं है, एंड्रॉयड है ये, एंड्रॉयड है। बाकी ऊपर की बात की जाए तो सॉफ्ट मटीरियल है सारा जो कि अच्छी है। बाकी ये देखें आप लोगों के सामने है, ये जो है ऑटो और नॉन ऑटो वाला हिसाब है यानी कि आईडी नहीं है ये। बाकी ऊपर देखा जाए तो आप लोगों को ग्लासेस के ऑप्शन मिल जाते हैं, और ऊपर देखा जाए तो ये आप लोगों को जो एलईडी में लाइट्स मिल जाती हैं, ऊपर आप लोगों को पैनोरामा वो आप लोगों को मिल जाता है जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके अंदर सनरूफ भी है इसके अंदर पैनोरामा, ऊपर आप लोगों को ये लाइट के साथ आप लोगों को मिल जाता है ये लाइट है, और ये आप लोगों के सामने ही है, और उधर भी वही हिसाब है। बाकी इसके अंदर रिडार्स वगैरह सारे ऑप्शंस हैं इसके अंदर फुल, ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है ये जो है जिसका रिव्यू बना रहे हैं, ये हैजर्ड आप लोगों के, और ये ऑडियोज वगैरह जो रेडियो के ट्रैक्स वगैरह वो हैं, एसी के हैं इसके अंदर है, दो कप होल्डर्स, पार्किंग सेंसर्स हैं इसके अंदर, ऑटो होल्ड है और ये ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक है। बाकी हिल असिस्ट है इसके अंदर, ये जो आपके 4x4 का ऑप्शन है, ड्राइविंग मोड्स हैं इसके अंदर, ये जैसे कि आप देख रहे हैं इको है, नॉर्मल है, स्पोर्ट मोड है इसके अंदर, और इसके अंदर रिवर्ट बैक कैमरा भी है तो वो चेक कर लेते हैं हम। तो ये आप लोगों के सामने ही है, ये बैक कैमरा की ऑप्शन है। बाकी पावर स्टेयरिंग ये आप लोगों के सामने है, और यहाँ पे देखा जाए थोड़ी सी आप लोगों को स्पेस मिल जाती है, इसके अंदर लाइट भी है और ट्विटर्स वगैरह आप लोगों को मिल जाते हैं। बैक की अगर बात की जाए तो आप लोगों के सामने है, बैग में अगर देखा जाए तो मेरे पास एक सर्टेन अमाउंट में बहुत ज़्यादा लेग स्पेस आप मिल जाती है मुझे जो कि बहुत अच्छी बात है, और हेड रेस्ट आप देख सकते हैं बहुत यानी कि अच्छी जगह पे, हेड रूम बहुत ज़्यादा, और बीच में देखा जाए तो आप लोगों के पास ये आर्मरेस्ट मिल जाता है, दो कप होल्डर्स आप लोगों को मिल जाते हैं इस गाड़ी के अंदर, और सिटिंग पोजिशन आप देख सकते हैं ये देखें ये कुछ है। बाकी चाइल्ड लॉक आप लोगों को मिल जाते हैं, और पीछे दो एसी मिल जाते हैं आप लोगों को यानी कि ब्लोर्स जो हैं, और यूएसबी और 12 वॉट का सॉकेट मिल जाता है आप लोगों को, ये आप लोगों के सामने ही है। थोड़ी सी यहाँ पर स्पेस है, और ओवरऑल ये किया स्पोर्टेज की लुक के आप लोगों के सामने है। टोटली डिटेल से आपको बताया जितना मैं बता सकता था आपको, इधर हुक भी लगे हुए हैं यहाँ पर करके आप देख रहे हैं, ऊपर ये LED लाइट्स आप लोगों को मिल जाती हैं। बाकी ये सारा इसकी गाड़ी के अंदर जो है ना ऑप्शन थे, ये था आज का रिव्यू। उम्मीद आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को लाजमी दबा दें। 55 लाख रुपए इसकी डिमांड है आप लोगों के सामने है, किया स्पोर्टेज है, ऑल व्हील ड्राइव है, ये आप लोगों को मिल जाएगी, और राफे मोटर्स पे है जैसे आप देख रहे हैं। ये मौलाना शौकत अली रोड पर अगर आप आएँ फैसल टाउन पर
तो आप लोगों को ये शोरूम बिल्कुल एज पे करके नज़र आएगा, यानी सामने आने वाली जो गाड़ी है वो सारी इस गाड़ी को, इस शोरूम को लाजमी देखेंगी। तो ये आप लोगों के सामने आज की स्पोर्टेज का रिव्यू लेके आएंगे आए हैं, और उम्मीद आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगे होगा। जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैं आप लोगों को बता सकूँ, और जो जो मुझे पता था यार मैंने आपको बताया। और इसी के साथ अपने भाई को दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।